प्रभु के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में उसे
thank you, Lord. Lord, that I need you.
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद, सारी महिमा और जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। बेटा परमेश्वर हमारे मुक्ति दाता यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए बैठे अपने स्थानों पर। हालेलुया, बैठे नहीं करें, हैप्पी न्यू ईयर सबको, नया साल मुबारक हो। हम महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि नई एक वर्ष हमको दिया जो पूर्व से भरा हुआ वर्ष है, आमीन। और परमेश्वर घर को धन्यवाद करने के लिए जा रहा है, आमीन। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए कि आप आज परमेश्वर के भवन में उसकी भवन से भरे इंसान या परमेश्वर के विश्राम के दिन में आप परमेश्वर के भवन में हो, आमीन। और आप हमेशा परमेश्वर के भवन में बने रहोगे और फलवत बने जाओगे, फलवत दाखलता के समान होंगे, बढ़ते और बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में, अब होते जाएंगे यीशु के नाम में। जितने परमेश्वर के चरणों में बने रहेंगे, जितने लोग परमेश्वर को चाहेंगे, जितने ज्यादा उससे प्रेम से रखेंगे, जितने ज्यादा उससे लगे रहेंगे, उसके उससे जुड़े रहेंगे, आप फलवत होते जाएंगे, आप आशीष पर आशीष पाते जाएंगे, आपके बच्चे आशीष होंगे यीशु के नाम में, आप खुद आशीष होंगे यीशु के नाम में, आप अपनी सेवकाई में बड़े आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में, आप अपने प्रार्थना में बड़े ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम में, आप अपने बच्चों को बड़े आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में, आमीन। आप और मुझे और हम सबको उस महान परमेश्वर के संग बने रहने, आमीन। अब मेरे सामने वचन निकालो आपकी पुस्तक में से पांच अध्याय पहला पद से हम लोग पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक पांच अध्याय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, यस, वहाँ और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, और गन्नेसरत की झील के किनारों पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, तब ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। भाई भी बता दी कि मछुए जो उन पर से उतर करके अपनी जानों को धो रहे थे, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने विनती की, और उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी जो चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, किनारे से थोड़ा से हटा ले चले, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा, तब वो बैठ करके नाव पर से लोगों को उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका, और भाई बताती है यीशु जब अपने उन लोगों को बातें कर चुका, तो शमौन से कहा, तब शमौन से कहा गहरे में ले चल, और यीशु ने कहा कि गहरे में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, और हमने सारी रात मेहनत की है, और कुछ ना पाया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, हम परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह जब गन्नेसरत के झील के किनारे आया, अपने लोगों से बातें करने लगा, और कहा कि थोड़ा सा ये नाव किनारे हटा लो,
ताकि मैं तुमको क्या करूंगा, उपदेश दूंगा, संदेश दूंगा। हालेलुया। हाँ प्रिय लोगों, और यीशु मसीह उन सारे चेलों को कहा कि अपने ज्ञानों को ऐसा करो कि आप अंदर लगाओ। हालेलुया। लेकिन शमौन जो एक पतरस के लाता है, यीशु मसीह उनसे बातें किया और कहता है कि शमौन ऐसा कर कि जाल को अंदर लगा। वो तो सब बाइबल बताती, सब समेट रहे थे जाल को, सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हासिल करने के बाद निराशा थे, टूटे हुए थे कि आशा खत्म हो चुकी थी, क्या तो कुछ होने वाला नहीं, सारी रात हमने किया भाई कुछ नहीं मिला तो अब क्या होने वाला है। लेकिन जैसे उनकी आशा खत्म हो गई, यीशु उनके पास में पहुंच गया। हालेलुया। हमारी आशाएं जहां हमारे जीवन के सोच खत्म होता है वहां पर यीशु मसीह पहुंच जाता है। आमीन। हालेलुया। जहां पर टूट जाते हैं लोग, जहां पर पी जाते हैं लोग, जहां पर गिर जाते हैं लोग, जहां पर दुखी और निराश हो जाते हैं लोग, वहां पर हमारा यीशु मसीह पहुंच जाता है। सोचते हैं लोग कि अब तो सारी रिपोर्टें खत्म हो चुकी है, अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मैं बेटी की दवाई थोड़ा सा सुना पदरस के द्वारा, अभी क्योंकि मम्मी बहुत प्रॉब्लम में थी और उसको अभी प्रभु ने अभी बहुत अच्छा रिलीज कर दिया। आपने दवाई नहीं दिया बेटा? नहीं दिया। ओके, आप स्पेशल दवाई के साथ में आने वाले हो, रिसीव करो। अमीन। हालेलुया। मम्मी हॉस्पिटल में है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि 30 और 31 तारीख के बीच में दोनों मीडिया अटेंड हुई, और परमेश्वर का धन्यवाद कि डॉक्टर के लिए असंभव था, उसने छुट्टी करा करा कर गई हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उसको ले जाने के लिए आदेश देते थे, इधर घुमा देते उधर घुमा देते, कोई बीमारी का पता नहीं चलता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि 2 दिन की मीटिंग के एंड होने के बाद क्या संदेश आ गया है कि परमेश्वर ने उसकी बीमारी को पकड़ लिया है और आप उनके ही बीमारी के अनुसार इलाज होना चालू हो गया यीशु मसीह के नाम में। जैसे उसने अपने सोच को खत्म कर दिया, ऐसे यीशु पहुंच गया। हालेलुया। वैसे यीशु आ गया उसके जीवन में और कहते हैं कि पतरस ऐसा कर यार, ऐसा करो, ये तुम्हारे नाव एक साइड ले जाओ, मैं उपदेश दूंगा, मैं संदेश दूंगा। हालेलुया। अरे परमेश्वर का संदेश बेवकूफ नहीं होता, गुड न्यूज़ होता है। हालेलुया। गुड न्यूज़ होता है, उसके संदेश सुनने के बाद बीमार चंगे होते, बंधन में पड़े बंधन से आजाद होते। खुदावंत का मैं धन्यवाद करता हूं, हमारी भाभी श्री नाम लिखवाई दिया। मैं 3 पानी 4 पानी खेड़ी को खाता था, लेकिन मैंने परमेश्वर के दास के मुख से निकले परमेश्वर के संदेश को सुनकर मुझे शर्म आने लग गई कि कैसे मैं इस खैनी को खाती हूँ परमेश्वर को जानते हुए भी। लेकिन आज मैं वादा करती हूँ कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं ये खैनी खाकर काम नहीं करूंगी। उसने खैनी की पुड़िया फेंक दी और यीशु के पीछे हो ली। हालेलुया। जिनकी सांस के लेवल कमजोर हो जाती है, उसका ऑक्सीजन लेवल घट जाती है, उसके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। असंभव संभव होने लगता है जब खुदा के कलाम सुनते हैं, परमेश्वर के संदेश को सुनने के बाद हर मुसीबतों का अंत हो जाती है, हर दुखों का अंत हो जाता है, हर कठिनाई हमारी निश्चरता में बदल जाती है। लोगों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए करके यीशु मसीह को धरती पर भेजा है। आमीन। हालेलुया। और यीशु का संदेश गुड संदेश है, गुड सुपर नेचुरल संदेश। हालेलुया।
सुपरनेचुरल पावर, सुपरनेचुरल ईश्वर की अनुग्रह, सुपरनेचुरल परमेश्वर का प्यार, सुपरनेचुरल परमेश्वर की दया, सुपरनेचुरल परमेश्वर की आशीष उसको लेना पड़ता है। हालेलुया, रिसीव करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। जब विश्वास करते हैं परमेश्वर कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। अब्बा खुदा, एक बार फिर से पुकारिए अपने अब्बा खुदा को, आइए अवतार के साथ। अब्बा खुदा, झील के किनारे दो नाव में लगी थी। देखिए उसमें बच्चों पर से उतार कर जाल धो रहे थे। नाव में से एक नाव जो समोन की थी, जो चलकर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा लेता, वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब वह बातें कर चुका तो समोन ने कहा, समोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल धो डाल। शमौन उत्तर दे दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन, हालेलुया। अब कभी ऐसा होगा विचार और सोच, प्रभु अब तक नहीं हुआ, 2021 बार हो गया। हालेलुया, हमने बहुत प्रार्थना किया, बहुत उपवास किया, बहुत सारी घुटने चाहिए प्रभु, हमारे लिए कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये फरमान साल आप फूलों से भरने के लिए जा रहे हैं, आपका जाल भरने के लिए जा रहा है, हर एक परिवार का जाल भरने के लिए जा रहा। बीमारियां हैं तो बीमारियां धुआं बनकर उड़ जाएगी, गरीबियां हैं तो गरीबियां धुआं बनकर उड़ जाएगी। आपके बच्चों का रिश्ता नहीं बनता तो परमेश्वर बच्चों का रिश्ता बनाने के लिए जा रहा। हर एक असंभव आपके लिए होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ देखकर संभव करेगा, क्योंकि हमारा पिता है वह अब्बा खुदा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भाई जी बताते हैं, जब वह बातें कर चुका तो समुद्र से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समुद्र ने उसको उत्तर दिया, 5 पद को पढ़े बदल, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तेरे कहने से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। हालेलुया, ऐसे कहने वाले लोगों की जान भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु के दास, मैंने 2021 में नहीं पाया, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आप जो बोल रहे, मेरा जाल भरने वाला है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करूंगी, मैं बाइबिल पढ़ूंगी, मैं फास्टिंग में जीवन बिताऊंगी, प्रभु मैं चर्च आऊंगी, मैं पाप से दूर
पाप से दूर रहूंगा। आपका जाल भरने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में, आपका जाल भरने के लिए जा रहे यीशु के नाम में, आपके हर एक असंभव संभव होने के लिए जा रहे यीशु के नाम में, आपके हर काम पूरा होगा यीशु के नाम में। आपके पास घर नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, लेकिन परमेश्वर घर बनाकर देने वाला है। हालेलुया। गरीबी है कोई बात नहीं, गरीबी हटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बीमारी है कोई बात नहीं, बीमारी हटने वाला है यीशु के नाम में। लेकिन आप पत्रस के समान, सिमोन के समान बोलने वाला हो जाओ, हाँ प्रभु तू कहता है तो मैं प्रार्थना करूंगी, हाँ प्रभु तू कहता है तो मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ प्रभु तू कहता है तो मैं बाइबिल पढ़ूंगी, बाइबिल पढ़ूंगा, प्रभु तू कहता है तो मैं भाषण करूंगी, भाषण करूंगा, हाँ प्रभु तू कहता है तो प्रभु मैं पाप में जीवन नहीं बिताऊंगा, पाप में जीवन नहीं बिताऊंगी, प्रभु तू कहता है तो मैं तेरे साथ जीवन बिताऊंगी, जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। जब ऐसे शमौन ने किया, क्या हुआ छठवां पद में, जब उन्होंने ऐसा किया, और भाई भी बताती जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, और भाई भी बताती उसने तो सारी रात मेहनत करने के बाद उनको हार चुकी थी, लेकिन ये सुनती ने जब उनको उपदेश दिया, उस उपदेश को मान लिया, उस संदेश को मान लिया, उस बातों को मान लिया, भाई भी बताती ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां उसने घेर लाया और उनके जाल फटने लगे, और भाई भी बताते उनके जाल भी फटने लग गए, इतनी आशीष से भर गए। हालेलुया। आप इतनी आशीष से भरने के लिए जा रहे हैं आपके पास इस स्थान की उत्पत्ति करने के लिए, बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इतनी ब्लेसिंग आप पाने के लिए जा रहे हैं। हां मेरे प्रभु, अब आशीष परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आप भगवान के राज में पहुंचाए गए परमेश्वर के लोग हैं। आपको परमेश्वर बहुत प्यार करता है। आपको गरीबी में परमेश्वर नहीं देखना चाहता। आपको बीमारी में परमेश्वर नहीं देखना चाहता। आपको किसी भी सत में दुखों में परमेश्वर नहीं देखना चाहता। आपकी जिंदगी में कष्ट और आंसू को परमेश्वर नहीं देखना चाहता। लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में फला और फूला भगवान के साथ में वो आपके लिए खड़ा है मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के संग चलने के लिए वायदा करते हैं तो बहुत जल्द परमेश्वर इसी जनवरी और फरवरी और मार्च इन 3 महीने के अंदर में परमेश्वर के अनोखे कामों को आप अपने परिवार में, लाइफ में, कामों में, नौकरी में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री के अंदर देखने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, और इस पर दूसरी नाव पर थे अपने साथियों को चेलों ने संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, कि आप हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली। भाई भी बताती उन्होंने आकर के दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी, कि वे इतनी आशीष मछलियों से भर पड़ा हो गया कि नाव भी क्या हो गया भाई, डूबने लग गया। इतना टाइम तो रात भर मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं था, अब तक तो कुछ भी हासिल नहीं था, अब तक तो कुछ भी नहीं पाया उसने, लेकिन क्या ऐसा मिरेकल हो गया कि यीशु मसीह के मुख से बोलने के द्वारा, यीशु मसीह के शब्द को खोलने के द्वारा, यीशु मसीह के संदेश और उपदेश को बांटने के द्वारा, और उसके चेले अपने जीवन में लेने के द्वारा शमौन ने भी इनकार नहीं किया प्रभु को, और प्रभु को कहा कि हाँ प्रभु तू कहता है तो मैं जाल अवश्य डालूंगा। हालेलुया। प्रभु तू कहता है तो मैं अवश्य फिर से मैं मेहनत करूंगा, प्रभु तू चाहता है तो मैं फिर से बिल्कुल अंदर में गहरे में लेकर जाल को डालूंगा, लेकिन आपके आज्ञा मानूंगा प्रभु। हालेलुया।
और जब ऐसा उसने किया हमारे बताते प्रभु क्योंकि नाव इतनी भर गया आपकी जाल इतनी भरने लग्या इतनी हो गया प्रभु कि जब नाव को जब भरा गया छेड़ों को बुलाना पड़ा जाल को खींचने के लिए उस आशीष को प्राप्त के लिए वे सब चिल्ला उठे अरे इतनी मछलियां अब खींच नहीं पा रहे तो जरे पतरस आ जाओ आ जाओ पतरस आ जाओ पतरस पतरस के पास आने लग गया और पतरस कहता है पतरस अरे यार खींचो 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 हालेलुया कितनी मछलियां भरने आया पतरस नाव भी डूबने लग गया हालेलुया आपका नाव भरने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में आप ब्लेस होने के लिए जा रहे मेरे भाई पतरस यीशु के नाम में अब 2022 से और भी फलवंत पर फलवंत होंगे यीशु के नाम में और यहाँ भी नहीं मेरे जितने सवाल सेवक भाई लोग खड़े हैं वे सब फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया हाँ मेरे लोगों क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में अनोखे कामों को करे क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार को करे क्या चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर का चमत्कार हो जाए क्या चाहते हैं कि आपके लाइफ में परमेश्वर का चमत्कार हो जाए मेरे बहन आप चाहते हैं कि मेरे कलीसिया के मेरे प्रिय बहने मेरे भाई के आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाए क्या चाहते हैं कि आपके घर के बच्चों से घर की समस्या निकल जाए क्या चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी के काम खत्म हो जाए क्या चाहते हैं कि आपके घर में जो भी श्राप का कार्य हो रहा है वो श्राप खत्म हो जाए तो आज वो देश को सुन कर जाए इसने कहा कि ऐसा करो कि इस नाव को किनारे ले जाओ ताकि मैं लोगों को उपदेश दूं हालेलुया हां मेरे प्रियो यीशु का संदेश उपदेश है हालेलुया यीशु का संदेश परमेश्वर का संदेश है और जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह का संदेश को सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं वे सेम नहीं परंतु आशीषों से मामूर हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में अच्छा है और हम दोनों पहुंच चुके अपने फैमिली के बीच में और हम परिवार एक साथ बैठे हैं और खाना खा रहे हैं आपके बारे में चर्चा करने में आमीन श्रीकांत कि मैंने बहुत आशीष पाया कोलकाता में हालेलुया श्रीकांत कि मैंने आपके बच्चों के साथ बड़ी आशीष पाया उसने बहुत फोटो खींचा कर गया हम सबके साथ में हालेलुया हमारे जवानों के साथ में बहुत अच्छा फोटो खींचा हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर खींचाया फोटो हमारे छोटे शाहल को को ऐसे गोद में लिया था खींचा और कहने के मुझे शामिल बहुत याद आ रहा है हालेलुया मुझे वो आपकी बेटी छोटी बेटी बहुत याद आ रहे बोलते हैं मैं लगे हमारा सेवा ब्रदर अभी बाकी है आपके लिए हालेलुया उसने कहा नहीं नहीं ब्रदर आपने बहुत सेवा की है मैंने नहीं हमारा सेवा अभी बाकी है परमेश्वर चाहेगा फिर से कन्वेंशन रखेंगे इस मसीह के नाम में हालेलुया सचमुच परमेश्वर आशीषों से भरा दास है आमीन उसने अपनी गवाही को दिया आपने सुना कि वो एक नाव था उसका सब कुछ उजड़ गया था उसके घर से 8-10 लोग खत्म हो चुके केवल वनली बचा अजय चौहान और अजय चौहान बचकर दुनिया को हिला रहा है हालेलुया लेकिन मैंने उसकी बड़ी तारीफ कर दिया सचमुच वो तारीफ की योग्य है वो भी मुंबई का है लेकिन जितने भी मुंबई में हीरो है सब जीरो है लेकिन एक ही हीरो है अजय चौहान हालेलुया अब तक हम सोचते थे कि अमिताभ बच्चन होगा शाहरुख खान होगा आमिर खान होगा वो खान होगा ये खान होगा
करीना के होना अपने गाना मैंने सबको मिला सबको प्रेम रखा था सब ये है वो है लेकिन सब मेरे लिए सब बेकार है ओनली जीसस मेरे लिए अच्छा है हालेलुया हालेलुया हमारी नेम मुंबई का हीरो जीरो है लेकिन अजय जवानी की मान रही हो ये समझेगा आमीन हालेलुया परमेश्वर आशीषों का देने वाला परमेश्वर है जब उस परमेश्वर को पकड़े रहेंगे जब परमेश्वर के साथ में चलेंगे जब उस परमेश्वर का वफादार होंगे आपके आशीष में कोई भी बाधा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में हालेलुया कोई भी ताकत आपको बढ़ने में रोक नहीं सकता बोलो आमीन कोई भी पावर आपको ब्लेसिंग पाने में रोक नहीं सकता क्योंकि आप राजाओं की राजा और प्रभु के बेटा और बेटी आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं इसलिए अगर अब्बा और पिता करके पुकारते हैं हम लोग हालेलुया हां मेरे प्रिय वचन मेरे साथ निकालो यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय दूसरा पद पढ़ो देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ और सुने ध्यान से सुने कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा हालेलुया आज थोड़ा सा सुने आप हल्ला ना करें आज सुने उसने कहा देख पृथ्वी और राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधेरा छाया हुआ है पर यहोवा का तेज उस पर क्या है उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और उसका तेज तुझ पर क्या हो जाएगा प्रकट हो जाएगा इस मसीह के नाम में हालेलुया लोगों दुनिया के लोगों में अंधेरा होगा लेकिन आप जो मसीह को जानने वाले हैं मसीह के प्रिय बेटी बन चुके हो मसीह के प्रिय बेटा बन चुके हो आपके लिए अंधेरा नो हालेलुया आपके लिए गरीबी नो आपके लिए बीमारी नो आपके लिए अकाल नो आपके लिए प्रॉब्लम नो आपके लिए कोई भी तंगी नो आपके लिए कोई भी कठिनाई नो हाँ परमेश्वर के लोगों बहुत से लोग मसीह में भी रोते हैं बहुत सा बातों को लेकर लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहूंगा यदि आप अब्बा पिता के अच्छे बच्चे हैं तो देश देश पर अंधियारा होगा लेकिन आपके ऊपर अंधियारा होने वाला नहीं है हालेलुया उसने कहा देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज उस पर प्रकट होगी हालेलुया आप परमेश्वर के बच्चे हैं आप परमेश्वर की बेटियां हैं आप परमेश्वर के बेटे आप पाप में जीवन नहीं बिताते आप हर दिन यीशु को अब्बा पिता ऐसे करके पुकारते हर दिन जब आपकी आंखें खुलती है आप यीशु के चरणों में बैठते आप हर दिन पाप से दूर रहते आप हर दिन यहोवा की भरोसा रखते आप हर दिन बुराइयों से अलग रहते हर दिन आप पाप की इच्छा नहीं जीते आप हर दिन यहोवा की इच्छा नहीं जीते आप हर दिन यहोवा पर आशा लगाए रहते हर दिन आप यहोवा के बन करके जीवन बिताते हैं आपके ऊपर अंधियारा नहीं आपके ऊपर में यहोवा का तेज होगा तेज यीशु मसीह के नाम में आप जितने बेटियां परमेश्वर के उस दास के संदेश को सुनकर आप आज यहाँ पर आए हालेलुया उससे क्या कहा प्रभु के दास अजय चौहान ने हालेलुया
एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा हम प्रभु के दास इन खास बेटियों के लिए और बेटों के लिए कि आप अपने लिए कभी भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना नहीं। हालेलुया। सुन लो बेटा, अपने लिए कभी भी लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढना, पापा को ढूंढने देना। हालेलुया। वो ढूंढेगा तो दरवा नहीं होगा। हालेलुया। वो ढूंढेगा तो ऐसे खेलने वाला नहीं होगा। हालेलुया। हमारी भाभी आज आप नहीं, नहीं आप प्रभु की बेटी बन चुकी हो, आप खेलने वाली नहीं। हालेलुया। वो ढूंढेगा तो जुआरी नहीं होगा, वो ढूंढेगा हमारा प्रभु आपके लिए लाइफ पार्टनर बेटा, तो वो बेबीचारी नहीं होगा, वो शैतानी काम को खेलने वाला नहीं होगा। सुन लो मेरे भाई लोग, जब आपके लिए लाइफ पार्टनर परमेश्वर लेकर आएगा तो वो किसी गलत कामों में फंसी नहीं होगी। हालेलुया। आपके पति किसी गलत कामों में फंसा हुआ ना मिलेगा, आप परमेश्वर के राज्य में उसके लिए आशीष के बेटा बेटी बन जाइए। आमीन। जब वो ढूंढ कर लाएगा तो सुपर नेचर होगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दे इसके लिए। अपने अब्बा की आज्ञा को मानना है, अपने अब्बा के आशीष पे चलना है। बोलो आमीन। अपने अब्बा के साथ हाँ मेरे लोगों, जब आप अब्बा के बेटा बेटी बनकर जिएंगे कोई भी काम असंभव नहीं होगा इस मसीह के नाम में। हर सप्ताह आशीषों से भरे गवाही होंगे यीशु के नाम में। हर सप्ताह प्रभु बड़े बड़े टेस्टिमनी के साथ आपको खड़ा करेगा। एक गवाही मुझे लेना था, उस दिन लिए, लेकिन 30 तारीख को मीटिंग आने में लेट हो गया। गवाही मुझे लेना था और मैं उस गवाही को अभी लूंगा। परमेश्वर ने कैसे काम किया, सोनू में जाऊंगा अपने बाबी को लेकर आओ जल्दी। सोनू भाई रवेली से जल्दी लेकर आओ और क्या हो गया तो बताओ। जल्दी उठो सिस्टर, जल्दी उठो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं आपकी गवाही को 30 तारीख को लेना था, 30 तारीख को, 30 तारीख को, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद क्या न्यू ईयर में हम आपकी गवाही ले रहे 2 तारीख को संडे में। हालेलुया। अंदर उभरा एक माइक मेरा पास, बताओ सोनू क्या हो गया था आपकी भाभी को, कहां कहां आपने हॉस्पिटल में घुमाए, फिर परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया। सिस्टर सामने आओ, फोटो ले रहे सबको, यही मसीह की। उधर जाओ सिस्टर, उधर जाओ। पहले तो भाभी काम करने गई थी सुबह से शाम तक, फिर शाम को आने पे उनको बहुत तेज बुखार हो गया। तेज बुखार इतना हो गया कि 102 डिग्री था, फिर डॉक्टर सुई लगाए 2, उसके बाद तो आराम तो नहीं मिला, पर उनका वो सुई लगा था शाम को 6 बजे लगा था। फिर उसके बाद तबीयत तो ठीक नहीं हुआ, उनको उल्टी चालू हो गया, उल्टी हो रहा था बहुत। फिर ऐसे होते होते वो टेबलेट भी दिया, फिर काम नहीं किया। ऐसे होते होते रात को 11 बज गया, फिर मेरे को कॉल करती है, बोलता है ऐसे ऐसे बात है। मैं फिर 11 बजे डॉक्टर के पास गया, उनके लिए टेबलेट लिया। फिर टेबलेट लेने के बाद खाया तो आधे घंटे में वहाँ पर रुका कि काम कर रहा है टेबलेट की नहीं, फिर उनका उल्टी उनका अच्छा हो गया। फिर उसके बाद हम तो सो गए, घर चले गए। फिर भाभी भी वही थी, फिर सुबह बोलती है कि ऐसे ऐसे बात है, भाभी की तबीयत बहुत ही खराब है, पूरा अपने खटिया से उठ भी नहीं पा रहे। फिर ऐसे में हम क्या करेंगे करके सोच रहे थे। फिर इतने में एम्बुलेंस को फिर कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर वो आया, फिर उनको मालपुर अस्पताल लेके गए सरकारी अस्पताल। फिर उसके बाद वहाँ पर बॉटल बहुत सारे चढ़ा रहे थे। फिर चेक किया तो बीपी बढ़ नहीं रहा है, 5-6 बॉटल चढ़ गया, फिर बीपी बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा था। फिर ऐसे करते करते रात को 2:30 बज गया था। फिर उसने में बोला कि उनका बीपी नॉर्मल है, उनका उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगा। फिर उनको बोला कि जहांगीर ले जाओ। फिर डॉक्टर रिफर किया हम जहांगीर गए 2:30 बजे रात को। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ पर भी बॉर्डर चढ़ाया, फिर वहाँ पर बीपी चेक किया तो बोलता है कि नॉर्मल है, 110 से बीपी अच्छा है। फिर उसके बाद बोले कि अभी आए तो अभी नहीं छुट्टी देंगे, फिर कल सुबह चले जाना। फिर 11 बजे हमें छुट्टी दिया।
पर परमेश्वर में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मैं भैया से बात बताया कि ऐसे बात भैया प्रार्थना करो भाभी के लिए, फिर भैया ने प्रार्थना किया तो उसके द्वारा चंगा हुआ, इसके लिए मैं परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो चुकी थी प्रभु, 10 के कारण पल्स भी नहीं मिलता था। ऐसे प्रॉब्लम से परमेश्वर ने छुटकारा दिया हम इस महान गवाही के लिए, जोरदार सुमति के लिए ताली बजाएंगे। हाँ मेरे लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है, बोलो आमीन। विश्वास करने बेटा, विश्वास करना है कलीसिया चर्च परिवार, विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके जाल को भरेगा, चाहे जैसा भी दुख और निराशा और बीमारी और गरीबी में आपका जाल खाली है, लेकिन मेरा यीशु मसीह को जब आप पकड़े रहोगे मेरे प्रभु में, जब आप विश्वास में चलोगे, जब मेरे प्रभु के साथ यदि वफादार होगे, आपके जाल मेरा यीशु मसीह भर देगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, क्योंकि मेरा जिंदा खुदावन इस धरती में आकर के हमारे लिए मरकर मुर्दों से जी उठाए, आज इसलिए करके वो बहुतों को जीवन देना चाहता है। आमीन। एक वचन लिखा मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय चौदह पद, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 पद में क्या लिखा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा, और हमें भी जिलाएगा, बोलो आमीन। यदि आप प्रभु के साथ बने रहेंगे तो आपको भी जिलाएगा, बोलो आमीन। चाहे कैसा भी दशा मरा हुआ क्यों ना हो, हाँ मेरे लोगों, चाहे कंडीशन जैसा भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हालात चाहे जैसा भी क्यों ना हो, चाहे जैसा भी आप अपने पीड़ाओं में करारे, अपने आंसू में बैठे पड़े, लेकिन मेरा परमेश्वर यीशु को मुर्दों से जिंदा किया, वो परमेश्वर आपके लोगों को जिंदा करेगा, आपके हालातों को जिंदा करेगा, आपके बीमारी को ठीक करेगा, आपके परिवार में आशीष लेकर आएगा, बोलो आमीन। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, जब आप भगवान के साथ में हम सब मिलकर प्रवेश कर चुके हैं, तो परमेश्वर के साथ बढ़ते जाइए, प्रार्थना में मन लगाइए, चर्चाना मन मन करिए, उपवास करना मन मन करिए, बाइबल के वचन पर ध्यान करिए, जितने ज्यादा परमेश्वर के राज्य में आप बने रहेंगे, जितने ज्यादा प्रभु को पुकारेंगे, उतने ही ज्यादा आप अपने जीवन में आशीष को पाते जाएंगे, रिजल्ट को पाते जाएंगे, गवाही और टेस्टिमनी में भरते जाएंगे और परमेश्वर के राज में गवाह के रूप में खड़े होते जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप उस अब्बा खुदा के बेटा और बेटियां बन चुके हो, बोलो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को क्या किया, जिलाया। हमारा प्रभु क्या हो गया था, दुष्टों के हाथों से मर गया था, मार डाला गया था, यीशु मसीह को सूली पर छुड़ा दिया गया था, उसके हाथ और पांव में कीड़े ठोक दिया था, मेरे बेटे यीशु मसीह के सीने पर भाले मार दिया गया था, यीशु के माथों पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया था, बाइबल बताती है यीशु मसीह के पीठ पर 39 कोड़े का मार पड़ा, उनके चमड़ियां फट चुकी थी यीशु मसीह को, और तरह तरह कर उसने दम तोड़ दिया था क्रूस के ऊपर में, वो मर चुका था, बट दैट इज दैट दैट दी दैट यीशु मसीह को गाड़ दिया गया था, मरा बेटी को पैसा नहीं रखता, यीशु मसीह को भी जब वो मर गया उसको दफन कर दिया गया था, यीशु को गाड़ दिया गया था, यीशु गड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह जो उसी कब्र में था, उसी कब्र में से मेरे परमेश्वर उसको जिंदा किया। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपको और मुझे जिंदा करेगा।
अमीन। जब आप उस परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, आपके हर एक मरे हुए हालात में जान आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके हर एक बिगड़े दशा बन जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हर एक असंभव संभव हो जाएगी यीशु के नाम में। ये मेरा परमेश्वर का संदेश है, ये मेरा परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए समान को पत्रस को कहने लगा, अपने लोगों को कहने लगा कि नाव को हटाओ ताकि मैं तुमको क्या दूं, उपदेश को दूंगा। हालेलुया, संदेश को मैं तुम्हें बांटूंगा ताकि तुम सुनो और जीवन पाओ, ताकि तुम सुनो और आशीष हो जाओ। इसने जान लिया था कि इसने सारी रात करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ इनके जीवन में। हालेलुया, यीशु को मालूम है। बहुत से लोगों को इस बात को कहते होंगे, प्रभु मेरे लिए ध्यान नहीं देता, प्रभु कई बरस हो गया मेरा बच्चा नहीं है, कई साल से गर्भवती है प्रभु, लेकिन प्रभु तू कब सुनेगा मेरी प्रार्थना। लेकिन नहीं, मेरे बहन, मेरा प्रभु का नजर आप पर है। हालेलुया, मेरे प्रभु का नजर आप पर है। मेरे भाई, आप अपने आप की शर्मिंदगी को ऊपर में आप बड़े ना रहे, यीशु के पास आगे बढ़े। यीशु के नाम में यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, यीशु मसीह आपकी आंसू को पोंछ डालेगा। हालेलुया। बहुत से लोगों का कहना है, लोगों के परमेश्वर में बहुत दिन हो गया, चर्च जाती हूँ, जाता हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता परमेश्वर, आप नहीं सुनते परमेश्वर, आप कब देंगे मुझे उत्तर। प्रभु बहुतों को आप उत्तर देते हैं, मेरे देखा प्रभु मेरे से पीछे आ गए हो मेरे चर्च में, और मैं उसकी टेस्टिमनी को पुलपिट में सुनती हूँ परमेश्वर, लेकिन तू कब मेरा सुनेगा परमेश्वर, क्यों ऐसी हूं मैं, क्यों ऐसा हूं। लेकिन नहीं, मेरे बहन, मेरे भाई मेरे माता, मेरे पिता, मेरा यीशु का नजर आपके ऊपर है। हालेलुया, मेरे यीशु का नजर आपके ऊपर है, आप इंतजार करें, आप वेटिंग में है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप कभी टिकट कंफर्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आप कभी बीमारी जाने वाला यीशु के नाम में, आप कभी गरीबी खत्म होगा यीशु के नाम में, आपके भी घर बनेगा यीशु के नाम में, आपके भी कर्ज मुक्त हो जाएंगे यीशु के नाम में, आपके भी बंधन छूट जाएंगे यीशु के नाम में, आपके भी बच्चों का रिश्ता आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कुछ परिवार हमारे यहाँ पर बैठे बहने लोग और सोचते थे उनके मम्मी पापा के हमारे बच्चों का रिश्ता होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। मैं बहुत बार उनके मम्मी पापा को आश्वासन देता था कि मेरा यीशु के नजर आपके बच्चों को घर में है। हालेलुया, मेरा यीशु के नजर आपके बेटियों को घर में है, क्योंकि आपकी बेटी परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। हाँ मेरे लोगो, और इसी दिसंबर महीने में, जिसको दो दिन हमने छोड़कर आज नए साल में प्रवेश कर लिए, दिसंबर महीने में एक बड़ी बेटी का रिश्ता खप चुके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। जब उस परमेश्वर में अपने आंसर को बना रखते हैं तो परमेश्वर कर दिखाता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ करके हम प्रभु भोज में जाएंगे, आप मेरे साथ निकालिए एक वचन को। इब्रानियों के पुस्तक 12 अध्याय एक और दो पद को पढ़ेंगे और हम फिर परमेश्वर के भोज में आज शामिल होंगे, प्रभु भोज होगा हमारे बीच में। इस वचन को पढ़ेंगे, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हाँ, बात नहीं करेंगे दूसरे से बेटा। इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, तो आओ क्या कहता है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर, आओ उलझाने वाले पाप को क्या करें, दूर करके दूर करके। यस,
वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है और वो उलझाने वाली पाप और बुरे कामों को हमारे जीवन से दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना और उस दौड़ जिसमें हमको मसीह के संग दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरज से क्या करना है मेरे लोगों? दौड़ना है। हालेलुया। उन सब चीजों को हटा दो जो जीवन में कलंक है हमारे लिए, पाप है हमारे लिए, गंदगी है हमारे लिए, जिसमें हमारी आस से नहीं है। बहुत लोग करते थके मारे में मैं 15 दिन में एक बार लेता हूं क्वार्टर को। यार क्वार्टर है तो वो यार को एक ढंगक पियो जा रहे एक होटल में पी जाओ जा रहे वो। हालेलुया। बहुत लोगों के स्वभाव ऐसा है कि मैं थके मारे में लेता हूं। यार आप थके मारे में उसी को लो आपके प्रभु को, फिर मत बोलो कि परेशानी क्यों नहीं जा रहा, प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रहा, बीमारियां क्यों नहीं जा रही मेरे घर से, गरीबी क्यों नहीं जा रहा। फिर शिकायत मत करो परमेश्वर को, क्यों शिकायत करते हो आप? परमेश्वर बीमारी नहीं जाता, गरीबी नहीं जाता, मेरे बच्चे ठीक नहीं होते, मेरे परिवार की हालात ऐसी, क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं जाता? ऐसे करके परमेश्वर को फिर क्यों कहते हो, क्यों ऑब्जेक्शन करते? आप उसी जगह में पड़े रहो जहां पर गरीबी चाहते हो, तो उसी गरीबी में पड़े रहो। उस बीमारी को नहीं निकलना चाहते तो बीमारी में ही पड़े रहो, दुख में रहना चाहते हो तो दुख में ही रहो। परमेश्वर को मत बोलो, बोलना बंद कर दो। यदि आप चाहते हो कि आपके घर से गरीबी हट जाए, बीमारी हट जाए, आपके घर से सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो आप उलझाने वाले पाप को दूर कर दो। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है और वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ताकते रहे मेरे प्रियो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। और बाइबिल बताती है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के दुख को सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा जाकर बैठ गया हमारे लिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में भजन का साथ में लेकर आया है तो आपके घर से सब खत्म हो जाए जो अब तक नहीं आपने अपने जीवन में देखा, आपने अब तक अपने जीवन में नहीं होते हुए देखा। गरीबी नहीं गया, बीमारी नहीं गया, प्रभु हमने बहुत सालों से बने, बहुत सालों से जीवन दे दिए, बहुत सालों से प्रभु आपके साथ चलते, बहुत बरस हो गया प्रभु जब से चर्च की स्थापना दिवस हुआ है, जिस दिन से चर्च के न्यू डाली तब से हम आपके पीछे बने हैं, लेकिन फिर भी बीमारी नहीं जाता, फिर भी गरीबी नहीं जाता, फिर भी हमारे घर से दुख नहीं जाता, फिर भी हमारे जीवन से कष्ट नहीं जाता। ऐसे बोलने वाले परिवार को आज मैं सूचना दूंगा कि आपके जिंदगी से हर एक उलझाने वाले पाप और दोष को जीवन से दूर करिए और परमेश्वर के आशीष को 2022 में देखिए इस मसीह के नाम में। हालेलुया। हां मेरे प्रभु, चाहते कि आपके जीवन फलवंत हो जाए तो आज आपको सच्ची पश्चाताप करके अपना जीवन यीशु को दे दीजिए और यीशु के बन जाइए और देखिए कि मैंने प्रॉमिस कर दिया, मेरे आत्मा से निकल करके मेरे 3 मन का एक प्रॉमिस वर्ड दे दिया कि 1, 2 और 3 जनवरी फरवरी और मार्च मंथ में परमेश्वर फेस करने के लिए जा रहा है इस मसीह के नाम में। रिसीव द लॉर्ड। हालेलुया। आप रिसीव करिए अपने जीवन को इस मसीह के हाथ में सौंप करके। आप ये चिंता मत करिए परमेश्वर दारू को बेच करके निकाल करके बेचना बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगी तो प्रभु मेरे घर की पालन पोषण कैसा होगा, मेरा बाप को मालूम है कि तुम्हारा पालन पोषण कैसे करेगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, बहुत लोगों का सोच ऐसा है कि प्रभु मैं 2 नंबर के काम करता हूँ, 2 नंबर के काम में मेरा परिवार का पालन पोषण होता है, 2 नंबर के काम नहीं करूंगा तो प्रभु
का सोच है, लेकिन आज मेरा परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है कि आप उस दो नंबर के काम को बंद करके मेरा परमेश्वर एक नंबर बनाने वाला है आपको। हालेलुया। हाँ मेरे लोगों, आपको अपने लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका चिंता करने वाला यहोवा जुड़ा हुआ आपके साथ आज के बाद होगा। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और थोड़ी देर आ गए और प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। जीवन को खत्म कर दिया, जिसने आपको और मुझे अच्छा जीवन देने के लिए अपने आप को
उस कब्र में ले आया। यस, जब हम रोते हैं यीशु रोता है, जब हम अपने आंसू को बहाते हैं, जब हम पीड़ा में रहते, जब हम कराते वो छाता है। क्या हम अपने जीवन को उस प्रकार के ना जिए जो परमेश्वर नहीं चाहता, पर तो चाहता है कि परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार जीवन बिताए, ताकि हमारी आंसू का रिजल्ट जीवित यीशु के नाम से सबसे छोड़ पाए। तू खुदा नहीं मुझको आश देकर खुश हो जाए, ओ अब्बा
हर एक लोगों को आशीष करने के लिए धन्यवाद देता हूं।
आपके सामर्थ्य नाम को प्रभु मैं आपके बेटा बेटी के ऊपर मैं घोषणा करता हूँ। परमेश्वर तेरे जयवंत नाम इनके जीवन से महिमा पाए, प्रभु तेरे जयवंत नाम इनके जीवन में जलाल पाए। मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं तेरा ब्लेसिंग बैंक पर मैं आज खोल देता हूँ। पिता परमेश्वर जो तूने मुझे आशीष दिया वो आशीष बैंक पर मैं रिलीज करता लॉर्ड। जो तूने आशीष मुझे दिया मैंने परमेश्वर को सब प्रकार की भौतिक और आत्मिक आशीष बैंक पर मैं रिलीज करता लॉर्ड। हर प्रकार के भौतिक आशीष आत्मिक आशीष बैंक पर मैं खोलता हूँ लॉर्ड। आज इनके परिवार फ्रेश हो जाने पाए, इनके बच्चे आशीष हो जाने पाए, इनके कामों के ऊपर में आशीषें खुल जाने पाए, इनके नौकरी और जॉब में आशीषें हो जाने पाए, इनके पढ़ाई लिखाई में आशीषें आ जाने पाए, इनके हर कामों के ऊपर में यहोवा जोरावर का हाथ उधरने पाए। मैं हर एक चुआ को यीशु मसीह के नाम से टूटते हुए देख रहा हूँ आपके ऊपर। अपने जीवन में आप हील हो रहे, अपने परिवार में आप हील हो रहे, अपने परिवार बच्चों में आप हील हो रहे, अपने आशीषों के लिए आशीषों के साथ में पर्वत के सामने भवन में खड़े किए हैं। पिता मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा सचमुच ये बड़े बड़े गवाही के साथ आने वाले सप्ताहों के अंदर खड़े होने पाए, आने वाले सप्ताहों से खड़े होने पाए परमेश्वर। मैं और भी बड़े बड़े टेस्ट बनी करके जिंदगी में सुनने पाऊं के नाम में, मैं सुनने पाऊं के नाम में हर एक इनके ऊपर से जुआएं खत्म हो जाने पाए, परेशान करने वाली आत्माएं छोड़ कर जाए, हर एक वो छुआएं यीशु के नाम से खत्म होने पाए, हर एक डेविल शक्तियां यीशु के नाम से फूट जाने पाए। बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रेस हो जा बेटा। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं ऐसे कर देने के लिए, आशीषों से भर देने के लिए धन्यवाद, आशीषों से मांगुर करने के लिए धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों की जिंदगी में तू बढ़, तेरा राज्य बढ़े, तेरे आत्मा में बढ़ते जाए, खुद में तेरे कामों में फलवंत होते चले जाए, हर एक बेटा और बेटी यहाँ आशीष होने पाए। जीवित यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मैं मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। Bless Jesus.